इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम ट्रांजिशन मेन्यू यूज़ करते हैं। तो चलिए एक फटाफट एक कंपोजिशन ले लेते हैं जिसका नाम है ट्रांजिशन मेन्यू। ट्रांजिशन, ठीक है, ओके किया हमने यहाँ पर। और इसको देखने के लिए हमें दो इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम सारे ट्रांजिशन उस पर देख सकें। तो मैं इमेज वाला मेन्यू खोलता हूँ, इमेज वाले मेन्यू में जाता हूँ और कोई भी दो इमेज जो है यहाँ पर रख लेता हूँ। तो एक तो मैं ये डॉग की इमेज यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है, और एक इसके ऊपर मैं इमेज रख लेता हूँ। ये कार की, ठीक है दोस्तों। और इसको जो है मैं टाइमलाइन को जूम करने के लिए प्लस दबाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद ये हमारी टाइमलाइन यहाँ पे जूम हो गई है। और 2 सेकंड पे जाके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। इस कार को मैंने 2 सेकंड के बाद रखा और उसके बाद इसको ऊपर कर लेते हैं। तो अब देखिए डॉग वाली जो इमेज है ये ऊपर हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, डॉग वाली लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट मेन्यू में जाता हूँ और ट्रांजिशन के अंदर जाके पहले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ब्लॉक डिजॉल्व। तो देखिए ये क्या करता है, ये बहुत इजी मेन्यू है। इसमें सिर्फ आपको जो है कंप्लीशन वाले टैब को क्लिक करके उसका इफेक्ट देख लेना है कि कैसे ये फिनिश होगा, ठीक है। तो देखिए दूसरी वाली इमेज अब कैसे अपीयर होगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ट्रांजिशन को 100% कर देता हूँ, ठीक है, और देखिए उसके बाद मैं यहाँ पे आके यू प्रेस करूँगा ताकि इसका की फ्रेम यहाँ पे मुझे दिख जाए। और उसके बाद मैंने इसको टाइमलाइन को थोड़ा और जूम किया ताकि मुझे सिर्फ 10 फ्रेम के अंदर ही एनिमेशन बनानी है। 10 फ्रेम पर जाके मैंने इसको वापस 0 कर दिया। तो एक्चुअली मेरे को उल्टा की फ्रेम करना था, ये मुझे 0 यहाँ पे चाहिए क्योंकि डॉग को मेरे को जो है डिजॉल्व करके दूसरी नेक्स्ट इमेज अपेयर करानी है जो नीचे दिख रही है। तो देखिए अब मैं जब ओके करूँगा तो एक डिजॉल्व हो जाएगा। 10 सेकेंड काफ़ी छोटी टाइम लाइन है, 20 फ्रेम की कर लेते हैं। तो अब देखिए कैसे धीरे धीरे डिजॉल्व हो रहा है और ये नेक्स्ट नीचे वाली इमेज जो है यहाँ पे अपीयर हो रही है। इसको भी मैं स्केल टूल से थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ ताकि ये पूरी नज़र आए फ्रेम के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली की फ्रेम अब इसके ऊपर से डिलीट करते हैं, नेक्स्ट इफेक्ट देख लेते हैं ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको सिर्फ ये ऑप्शन दिखा सकूँ कि ये किस तरीके से ऑप्शन काम करते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर डॉग वाली लेयर सेलेक्ट करी, ट्रांजिशन में गए, कार्ड स्वाइप किया, ठीक है, कार्ड स्वाइप हो रहा है इस टाइम। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इस पे ट्रांजिशन को 0 करके देखता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है, 0 हो गया। अब देखिए जब मैं 20 फ्रेम आगे आऊँगा तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ 100%। तो अब क्या हो रहा है कि सॉरी ये मैंने गलत जगह 100% कर दिया। एक बार यू दबाएंगे और इस की फ्रेम को यहाँ से डिलीट कर देंगे, 20वें फ्रेम पर जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको कर दूंगा 100%। अब देखिए क्या हुआ है कि यहाँ से जो 0% से कार्ड चलना शुरू हुआ, देखिए कार्ड चल रहा है ना, और उसके बाद ये नीचे वापस, आपको ये ही क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब कार्ड स्वाइप हुआ तो उसके पीछे क्या आना चाहिए। तो मैंने कहा उसके पीछे बैकग्राउंड लेयर पे मुझे कार चाहिए, तो अब देखिए कार बन गया। तो अब मैं जब यहाँ से ये एनिमेशन चलाऊंगा तो ऐसे चलेगा, ये डॉग वाली लेयर धीरे धीरे से जैसी फ्लिप होगी पीछे से कार निकल के आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। कितने रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैंने कहा मुझे एक रो चाहिए, एक कॉलम चाहिए, तो क्या बनेगा देखें जरा। तो ये पूरा का पूरा एक ही कार्ड बन के फ्लिप हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाकी ऑप्शन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इनको जो है ट्राई करके देखना, ये है बहुत ईजी। आपको बस इनको एक्स एक्सिस चेंज करके देख लेना है, फ्लिप ऑर्डर चेंज करके देख लेना है, ठीक है दोस्तों। मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे गया ट्रांजिशन के अंदर, तीसरा ऑप्शन है सीसी ग्लास वाइप। तो ग्लास वाइप कैसे काम करता है देखिए, मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे की फ्रेम लिया, उसके बाद 20वें फ्रेम पे गया और मैंने इसको कर दिया 100%, ठीक है 100% का। और मैंने कहा लेयर कौन सी रिवील करनी है, कार वाली लेयर रिवील करनी है। तो अब देखिए कैसे बना, ठीक है, इसने इसको वाइप कर दिया। जो भी इसको इसके अंदर कलर की स्ट्रेंथ दिख रही थी, इसने उस कलर की स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के उसको अलग तरीके से रिवील करा है, या मैं कहूँ कि इस लेयर को फेड किया है, ठीक है दोस्तों। ठीक है तो चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का क्या अमाउंट होगा, ये सब आप जो है खुद ट्राई कीजिए कि कैसे इफेक्ट कैसे बन रहा है, आप जब देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल को समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मेरे को बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी उस प्रॉब्लम का समाधान कर पाऊंगा तो। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगले ऑप्शन पे देखते हैं। मैंने वो इफेक्ट रिमूव कर दिया। नेक्स्ट इफेक्ट है आपका सीसी ग्रिड वाइप। तो सीसी ग्रिड वाइप पे जब क्लिक करते हैं तो अच्छा, अब ये आप सोच रहे होंगे कि आफ्टर इफेक्ट में तो इतनी मुश्किल मुश्किल एनिमेशन बना सकते हैं तो ये इतने इजी वाले दे क्यों रखे हैं? क्योंकि बहुत बार ना कुछ मुश्किल एनिमेशन की जरूरत होती नहीं है, बहुत बार हमें सिर्फ इजी एनिमेशन की जरूरत होती है, तो वो भी यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी था। तो अगर वो नहीं होगा तो हम कैसे बनाएंगे इजी एनिमेशन? बहुत बार हमें इतना मुश्किल एनिमेशन बनाना ही नहीं होता, हम या तो हमारा बजट कम होता है या हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है या टाइम शॉर्ट होता है, तो हमें ये सारे इफेक्ट यूज़ करने पड़ते हैं। देखिए ये कैसे काम करता है, ये देखिए ये किस तरह से यानी कि ग्रिड के अंदर वाइप हुआ है। तो इसकी ग्रिड जो है, इसकी ग्रिड का एंगल क्या रखना है वो एंगल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर कितना बड़ा चाहिए कितना छोटा चाहिए बॉर्डर, आप यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, टाइल्स कितनी बड़ी छोटी चाहिए वो आप यहाँ से दे सकते हैं। और आपको ये इफेक्ट देखिए कैसा चाहिए, आपको डोर डोर में चाहिए या सर्कल में चाहिए, ये देखिए कैसे खुल रहे हैं ना इस टाइप। तो ये इसमें अलग अलग है, आप करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको जो ट्यूटोरियल में बता रहा हूँ आप उसको एक बार यहाँ पे सुने और उसके बाद खुद ट्राई करें। ठीक है, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन है, हमने इमेज वाइप पे गए, इमेज वाइप पे क्लिक करा और इमेज वाइप पे क्लिक करके मैंने कंप्लीशन यहाँ पे ले लिया और पूरे 1 सेकंड पे इसको 100% कर दिया। अब देखिए इमेज कैसे वाइप हो रही है, ये देखिए आप। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी ग्लास वाइप किया था ना वैसे ये इमेज वाइप हो रही है। तो इन दोनों में आपको ये ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि ग्रेडियंट के अंदर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कौन कौन सी लेयर में ग्रेडियंट है। अगर किसी लेयर में आपने ग्रेडियंट रखा होगा तो उसको फिर ध्यान में रख के उस ग्रेडियंट के हिसाब से करेगा ये इसको रिवील या इसको फेड ऑफ। तो आप इसको खुद करके देखिएगा, एक नीचे वाली लेयर पर ग्रेडियंट बना के उस ग्रेडियंट लेयर को यहाँ पे बता देना, यहाँ पे उसको सोर्स डिफाइन कर देना और यहाँ से फिर ब्लर व्लर के ऑप्शंस को चेंज करके देखना कि क्या एनिमेशन बनता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे गए ट्रांजिशन में गए, नेक्स्ट ऑप्शन है सीसी जॉज। तो इस पे क्लिक करा, ये देखिए ये भी बहुत इफेक्टिव है। और कल रात को ही मैं कोई पिक्चर देख रहा था, जय मम्मी दी, तो उसके अंदर ये वाले एक जगह पे ट्रांजिशन था। तो उस वक्त मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा ये मूवीज में तो ट्रांजिशन यूज़ नहीं होता क्योंकि ये तो इतना अजीब सा और सिंपल सा है। लेकिन मैंने देखा तो फिर मुझको ठीक लगा कि सब यही होता है कि जब आपके पास इफेक्ट होता है ना तो आप अपने आप मौका ढूंढ लेते हैं उसको इस्तेमाल करने का। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस जॉज की बात करूँ तो इन जॉज में कन्वर्जन क्या है कि इनका एंगल क्या करना है मुझे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनकी हाइट क्या होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद इसकी विड्थ क्या होगी, तो इसकी शेप जो है वो कैसी होगी, कि रोबो वाली हो गई, ये ब्लॉक वाली हो गई, ये वेव वाली हो गई। ठीक है, तो इन सबको आप चेंज करके देखिए, आपको पता चलेगा बहुत सही से लगते हैं ट्रांजिशन सारे। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं और सीसी लाइट वाइप देख लेते हैं, लाइट वाइप कैसे काम करता है। देखिए मैंने यहाँ पे आया, मैंने कंप्लीशन को यहाँ पे 0 लिया और यहाँ पे पीस या यहाँ पे फ्रेम पे आके इसको फुल कर देता हूँ। अब देखिए लाइट वाइप ने कैसे काम किया है, ये देखिए लाइट तो आई है लेकिन इसने सर्कल के अंदर इसको डिजॉल्व भी कर दिया है इमेज को। देखिए इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शन है, देखें इंटेंसिटी तो है ही, डोर है, डोर क्या करता है ये देखिए, डोर कैसे खुल रहा है। ठीक है, डोर ऐसे खुल रहा है, इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए डोर के खुलने की, ठीक है ये भी देख लीजिए आप, और स्क्वायर भी देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से मास्क कर रहे हैं इमेज को, लेकिन ये अच्छा लग रहा है ट्रांजिशन, है ना दोस्तों। ठीक है, अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट जल्दी से एक और देख लेते हैं। लाइट वाइप हो गया, उसके बाद है लाइन स्वाइप। लाइन स्वाइप देख लेते हैं, लाइन स्वाइप कैसे काम करता है। वही मैंने यहाँ से कंप्लीशन 0 पे लिया और उसके बाद यहाँ पे 1 सेकंड के बाद इसको फुल कर दिया। तो देखिए ये इसने कैसे किया लाइन स्वाइप ने, ये देखिए अब इसमें हो क्या रहा है। इसके अंदर आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन डिफरेंस दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। ये देख रहे हैं आप स्लेंट देख रहे हैं, यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है, ये देखिए एंगल बना हुआ है और अलग अलग तरीके के बॉक्सेस हैं। तो अगर मैं इनकी थिकनेस कम कर दूं, या देखिए मैंने थिकनेस बढ़ाई तो मोटे हो गए, और ये अब जो है ना आपको लाइन स्वाइप आपको दिख रहा होगा कैसे लाइन स्वाइप कर रहा है। ये देखिए 1 2 ऐसे ऐसे करके ये बॉक्सेस आ रहे हैं और ये सारे बॉक्सेस नीचे की तरफ कवर कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसका एंगल हो गया, इसको भी हटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
राइट स्वाइप हो गया, लाइन स्वाइप हो गया, सीसी रेडियल स्केल स्वाइप। स्केल स्वाइप तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, स्केल से स्वाइप करेगा, लेकिन रेडियल है तो देखो ये किस तरह का इफेक्ट आपको दिखाएगा। ये जिस टाइम हम डिस्टोर्ट मेन्यू कर रहे थे ना, उस टाइम भी मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, ये इसने क्या है, सर्कल में वाइप तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे डिस्टोर्ट भी कर रहा है इसको, है ना, ये वाला इफेक्ट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 100% कर दूंगा तो इफेक्ट देखिए क्या बना, ठीक है। अब ये जो सर्कल अपियर हो रहा है, ये सर्कल मुझे कहाँ से अपियर करना है ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे इसकी आँख से अपियर करना है, तो अब देखिए सर्कल कहाँ से अपियर होगा, इसकी आँख से अपियर होगा, ठीक है दोस्तों। ये सारे ऑप्शन इसके अंदर है, ऑप्शन आपको पता होगा तो आप यूज करने का तरीका भी अपने आप ढूंढ निकालेंगे। स्केल वाइप पे आ जाते हैं, स्केल वाइप पे मैंने यहाँ पे 0 लिया, तीनों को ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं 3 सेकंड पे, और यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आया, मैंने एक बार यू दबाया, और उसके बाद जो है सेंटर का की फ्रेम तो यहाँ पे है ही, और यहाँ पे आए और सेंटर का की फ्रेम जो है उठा के यहाँ की तरफ कर दिया, या इसको उठा के यहाँ की तरफ कर दिया मान लो, ठीक है। तो अब देखिए कि एनिमेशन बने, ठीक है, कि सेंटर वहां से खींचता चला गया, ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और ये फिर जाके यहाँ पे खत्म हो गया। स्केल वाइप ऐसे कर दिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। स्केल वाइप के बाद है सीसी ट्विस्टर। तो ट्विस्टर देखिए कैसे काम करता है। बैकग्राउंड में कौन सी चाहिए, मैंने कहा कार लेयर चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके कंप्लीशन लिया 0% पे, 1 सेकंड के बाद मैंने इसको कर दिया 100%। तो देखिए किस तरह से स्वाइप होगा, ये देखिए, ये स्वाइप हो गया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगर मेरे को, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका सेंटर यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे इसको स्वाइप होके इसने यहाँ पे बनाया है ना। तो इस तरह से हम इसको और भी चेंज कर सकते हैं कि मुझे किस तरीके का बनाना है इमेज, क्योंकि इमेज 100% इमेज इतनी है, इसलिए इमेज इतनी आई है। अभी देख रहे हैं यहाँ पे इमेज कैसी नीचे स्केल कर के डाउन करा हुआ है मैंने स्केल को, है ना, इसलिए। बाकी आप एक बार खुद चेक कर लेना, हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लेयर डिलीट कर दी गलती से, तो ट्विस्टर हटा देते हैं और यहाँ पे आते हैं, ट्रांजिशन में जाते हैं, ये है वेरपोमीटर, वेट्रोमेटिक। तो यहाँ पे गए, कंप्लीशन लिया मैंने 3 पे गए, यहाँ पे 100% कर दिया मैंने, और क्योंकि इसमें भी आ रहा है कि कौन सी लेयर रिवील करनी है, लेयर नंबर 2 रिवील करनी है। तो देखिए अब क्या होगा, स्पेस बार दबा के देखते हैं, फेड इन टाइप का ही कर रहा है ना, जैसे फेड इन करते हैं वैसे ही कर रहा है, ये देखिए फेड इन टाइप का ही कर रहा है। लेकिन इसके अंदर ये रैप भी होता है, तो अगर आप इसके ये ऑप्शन बढ़ा देंगे तो आपको फिर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा कि ये बीच में कर क्या रहा है। देखो कैसे रैप कर रहा है इसको, अगर मैं इसको रैपिंग बढ़ा दूंगा तो दोनों एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों जो है मर्ज कर रहे होंगे एक दूसरे को। देखिए ब्लेंड स्पेन बढ़ाया, ठीक है, ये देखिए अपोजिंग कर दिया, तो थोड़ा सा आपको दिख रहा है कैसे दोनों लेयर एक दूसरे में कैसे रैप हो रही हैं, और फिर ये रैप भी होगी और फिर फेड इन होके दूसरी लेयर वहां रिवील भी हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। तो ये है इसके अंदर बस, कि जब फेड इन होके इफेक्ट सामने आए तो थोड़ा सा रैप का भी ध्यान रखा जा रहा है। फिर उसके बाद है ग्रेडियंट वाइप। ग्रेडियंट वाइप तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ग्रेडियंट वाइप कैसे काम करेगा। मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन लिया, फिर मैंने यहाँ पे लिया और मैंने इसको फुल कर दिया, ठीक है। अब देखिए आप जो अभी हमने ऊपर ऑप्शन देखे थे ना, ग्लास वाइप था, इमेज वाइप था, उसके अंदर भी ग्रेडियंट से ही वाइप कर रहा था, इसके अंदर भी ग्रेडियंट से ही वाइप कर रहा है, लेकिन इसमें पूछ भी रहा है कि भाई ग्रेडियंट की कोई लेयर है कि नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप कर लेना, तो एक मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ, एक ग्रेडियंट लेयर फटाफट बना लेते हैं ताकि उसमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ग्रेडियंट ओवरले किया,
चलिए चलिए हमने मान लिया कि यही ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का जो टाइप है लीनियर की जगह इसको फटाफट करते हैं, रेडियल कर लेते हैं, और अब इस लेयर को जो है यहाँ से इमेज के नीचे रख लेते हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि इस लेयर पे मेरे को इफेक्ट लगाने हैं, तो ग्रेडियंट वाली लेयर कहाँ है, ये है। अब देखिए जब मैं कंप्लीशन करूँगा तो अब कैसे कंप्लीशन होगा, और कहाँ है, इफेक्ट के अंदर है ना, इफेक्ट के अंदर है ग्रेडियंट, ठीक है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, तो मैंने इसके ऊपर से जो है ये हटाया, और उसके बाद ट्रांजिशन में आए, उसके बाद आइरिस वाइप, आइरिस वाइप तो आपको पता ही है। देखिए इस बार मैं एनिमेशन नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ स्वाइप करके दिखा देता हूँ कि कैसे हो रहा है, ये देखिए, ये तो आपको सर्कुलर लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसके पॉइंट कम होगा करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि किस शेप में, तो इसमें से किस शेप में आपको जो है ये इस तरह का मास्क करना है ना, देख रहे हैं आप, साइड्स मैंने बढ़ा दी यहाँ पे, तो आयरिस हो गया ये। अगर मैं फेदर बढ़ा दूंगा तो देखिए कैसे इमर्ज हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये लुक बन जाएगा इस इफेक्ट का, अगर आप इस पे ये इफेक्ट करेंगे तो। और अगर मैं इसका ये सर्कल वर्कल भी यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। ये आयरिस वाइप हो गया आपका, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है लीनियर वाइप। ये मैं आपको कह रहा था उस दिन कि लीनियर वाइप का ऑप्शन इसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, और फेदर वाले ऑप्शन से ना ये और भी अच्छा हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा था। मान लीजिए मुझे इसको लीनियर वाइप से ही करना है कि एक जगह से ऐसे इमेज खत्म हो, ठीक है। अब देखिए एनिमेशन तो बन गई, ये देखिए एनिमेशन बन गई है ना, अब देखिए क्या, लेकिन अभी ये इतना अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जब मैं इसके ऊपर फेदर लगा दूंगा, थोड़ा सा इस पे फेदर ऐड कर दूंगा, ये देखिए, तो अब ये चाहे इमेज डिसअपियर हो रही हो या वापस यहां से उल्टा अपियर हो रही हो, ये बड़ी सॉफ्ट सी लगेगी इमेज और अच्छे तरीके से अपियर होगी, ठीक है दोस्तों। इसलिए मुझे लीनियर वाइप का ऑप्शन बहुत पसंद है, और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रेडियल वाइप, बिल्कुल सेम सिमिलर है कि अगर मुझे ये देखिए, ये देखिए, बस इसके अंदर रेडियल वाइप के अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि ये ना किसी को पता नहीं होता कि ये वाला फीचर ऐसे काम करता है, और जो नए नए मोशन ग्राफिक डिजाइनर होते हैं वो इसको खुद से बनाना शुरू कर देते हैं, और किसी और की तो क्या बात करूं, मैं खुद भी जब ये वाले इफेक्ट को नहीं जानता था तो मैंने खुद भी इसको खुद शेप ट्यूनिंग से बहुत मुश्किल से बनाया था, फिर मुझे किसी और ने बताया कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पे है, उस दिन के बाद ये इफेक्ट मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि मैं जब बहुत बार पाई बनाते हैं ना, आप पाई समझ रहे हैं आप, कि बहुत बार क्या होता है आपको एक सर्कल बनाना होता है बीच में किसी कलर का, मान लीजिए मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है, ठीक है, और इस सर्कल पे मैं कलर भर लेता हूँ, यहाँ पे रेड कलर का ये मैंने एक सर्कल लिया, इसको जो है मैं अभी सेंटर में रख लेता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक तरीके का पाई है, तो अब इसको पाई वाली फॉर्म कैसे देंगे, कि मैं यहाँ पे जाऊँगा रेडियल वाइप इस पे लगा दूंगा, और मुझे इसे कितना खोलना है, मुझे इतना खोलना है, तो अगर मुझे इस पे कोई डेटा दिखाना हो है ना कि ये 95% है, और उसके बाद मुझे दिखाना हो कि ये यहाँ से कम हो के इतना परसेंट रह गया, तो देख रहे हैं पाई कितनी आसानी से बन जा रहा है, तो ये इसका फायदा होता है। चलो ठीक है, तो ये भी हटा लेते हैं और लास्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो आज का जो लास्ट ऑप्शन है वो है वेनेटियन ब्लाइंड्स। वेनेटियन ब्लाइंड्स क्या होती हैं ये देख लीजिए, जैसे कंप्लीट करूंगा आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये पतली पतली सी ब्लाइंड्स देखी हैं आपने, जैसे घर में जब खिड़कियों पे आप लोग चेक के ब्लाइंड्स लगवा लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके की होता है ये। तो अगर इन ब्लाइंड्स की जो है विथ कितनी करनी है आपको, ये देखिए, तो उतनी बड़ी विथ हो गई, ये देख रहे हैं आप कितना सही इफेक्ट आ रहा है। तो अगर इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे वो हो गया, फिर ये ऐसे अपीयर हो गया, तो इस तरह की ये एनिमेशन है, ठीक है दोस्तों। तो इसी लास्ट ऑप्शन के साथ आपका जो है ट्रांजिशन मेन्यू भी खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो और मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।